वेलकम टू सरस्वती क्लासेस। जैसा कि स्टूडेंट आपको पता है कि अपने जो पीजीटी के एग्ज़ाम हुए हैं 2 जुलाई से लेकर अभी तक 6 जुलाई तक, उनका रिव्यू कर रहे हैं। अभी तक अपने जीके का रिव्यू किया था, हिंदी का रिव्यू किया था, एक दो एग्ज़ाम का जो 3 या 2 को हुए थे। फिर आज जो हमने डिस्कस किया है, आज के मैंने टीचिंग मेथड, काफ़ी लोग कह रहे थे कि टीचिंग मेथड को डिस्कस करो, तो मैंने टीचिंग मेथड डिस्कस किए हैं, तो आप देख सकते हो जिन्होंने वही देखा। तो दूसरी बात है कि जो पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कीजिएगा, क्योंकि विदाउट नोटिफिकेशन आपको कोई अपडेट नहीं मिलेगी। और आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो कर रहे हैं जर्नल मैथ, जो पीजीटी मैथ में आई थी, ठीक है। जो पेपर का स्टैंडर्ड था स्टूडेंट, वो बहुत अच्छा स्टैंडर्ड था और काफ़ी लेंथी भी पेपर था मैथ का। अगर जिसने प्रैक्टिस की हुई है मैथ की, उसके लिए तो ये 20 के 20 नंबर फ्री हैं, अदरवाइज जिसने नहीं की तो उसके 0 नंबर हैं, क्योंकि पेपर का लेवल बहुत अच्छा था। तो सबसे पहले मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहा, तो प्लीज़ आप जो प्रैक्टिस कीजिए, मोर प्रैक्टिस, मोर ज़्यादा से ज़्यादा। तो पहला सिंप्लीफिकेशन क्या है, कहता है कि ऑन सिंप्लीफिकेशन 1/5, ये अपने पास क्वेश्चन लिखा है, अब इसको सोल्व करता हूँ मैं सीधा, आप देख लीजिए। तो क्वेश्चन देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में, इवन मेरे पास हर एग्ज़ाम, क्योंकि आंसर की रात को अपलोड हो चुकी है, तो हर एग्ज़ाम पढ़ा है, जितने भी एग्ज़ाम हुए थे सब में ये एक दो दो क्वेश्चन आए हुए हैं। तो डिस्कस करता हूँ पहले पीजीटी मैथ का, जनरल मैथ का, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन। अब इसको करने का तरीका आपको स्टूडेंट पता होगा कैसे करते हैं, नहीं तो मैंने आपको बताया हुआ है, अपने और इस पर एक वीडियो बना लेंगे 10-15 क्वेश्चन की, जो आने वाले एग्ज़ाम में उनको हेल्प मिल जाए। तो 1/5, ठीक है स्टूडेंट, पहले मैंने नीचे वाले को सोल्व किया, 1/5 ये डिवाइड, अब इसको सोल्व किया, अपने को पता है कि ये क्वेश्चन नीचे से ऊपर ऊपर की ओर जाते हैं, तो 9 × 27 इसको सोल्व किया, इस पहले इसको सोल्व करूँगा, कितना आया, 9 × 27 और 7 कितने होते हैं, 34/9। फिर आया ये क्या है, माइनस, इसको सोल्व किया, 3 × 3 और 5 कितना आया, 5/3, ठीक है स्टूडेंट, ये सोल्व हो गया। अब अपने सोल्व करते हैं इसको, 1/5, ठीक है, 1/5 डिवाइड, तो 7 ये कितना है, 34/9, ये 5, ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सॉरी यहाँ कुछ गलती मैंने मिस्टेक कर दी, ये 5, ये सॉरी 3 ऊपर चल जाएगा डिवाइड करके, ये ऊपर घूम के ऊपर चल जाएगा 3, तो घूम के ऊपर चला गया तो क्या आ गया, 5, ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 3 ऊपर चल जाएगा, तो ये कितना आ गया, 3, ठीक है, 1/5 डिवाइड, ये कितना है, 7। अब 9 इसका एलसीएम लिया तो कितना है, 9 × 27, 34 में से 27/9, ये 9 मैं नीचे लिख रहा, ऊपर ले जाऊँगा, 9 ऊपर चला गया, तो ये 7 बचे। अब इसको 34 में से 27 घटाऊंगा तो 7 से 7 कैंसिल हो चुका है, तो कितना, 1/5 डिवाइड, ये कितना है, 9, ठीक है स्टूडेंट। अब डिवाइड का मीन अपने को पता है कि 1/b, यदि इसमें डिवाइड का सिंबल लगा है सी, तो मैं क्या करूँगा, 1/b डिवाइड करके चल जाऊँगा सी, और सी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपको भिन्न के मैंने फ्रैक्शन नियम लिखाए हुए हैं, तो उसी प्रकार 1/5 इसके साथ क्या हो जाएगा, 9 × 5 = 45, 1/5 गुना ये 1 है ऊपर, 45 घूम के चला जाएगा, तो कितना है, 9, तो हमारा आंसर कितना है स्टूडेंट, 9, ठीक है। ये मैं इसलिए तेज़ करवा रहा हूँ क्योंकि मैंने क्वेश्चन करवाए हुए हैं, अब मैं और करवाऊँगा 1 या 2, इस पर एक वीडियो बनाऊँगा करीबन आधे घंटे की, ताकि क्वेश्चन बहुत लेंथी होते हैं, उसमें से 5-6 क्वेश्चन होंगे, लेकिन आपको तरीका पता चल जाएगा कि कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताता हूँ, कहता है क्या, इफ़ द सम ऑफ 18 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, कहता है कि लगातार 8 पॉजिटिव पूर्णांकों का जो सम है वो एक परफेक्ट स्केयर है, द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ द सम, कहता है जो एक सम मिलेगा वो एक सबसे न्यूनतम वैल्यू होनी चाहिए, क्योंकि वैल्यू तो बहुत मिल सकती है, अगर मैं लगातार 8, अब तो मैं 1 से स्टार्ट करूँगा, यदि मैं 10 से स्टार्ट करूँ तो भी मेरे को कोई ना कोई वैल्यू तो मिलेगी, पॉसिबल एक परफेक्ट स्केयर, लेकिन उसने पूछा है कि एक मिनिमम परफेक्ट मिलना चाहिए, मिनिमम परफेक्ट स्केयर मिलना चाहिए, तो करके दिखाता हूँ आपको कैसे करेंगे क्वेश्चन को। कहता है कि लगातार 18 क्या था, कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का जो सम है वो एक परफेक्ट स्केयर है, वो क्या एक परफेक्ट स्केयर है, तो मैं ए से स्टार्ट करता हूँ, माना ए क्या एक इंटीजर है, क्या है इंटीजर, तो ए हो गया, a+1 हो गया, a+2 हो गया, कहाँ तक चलेगा ये, 18 तक है, इट मीन्स a+17 तक चलेगा, हमने a+0 जोड़ा है पहले, फिर a+1, तो क्या है, a1+a+2 कहाँ तक चलेंगे, 17 तक, तो कहता है कि इनका जो जोड़ आएगा, इनको यदि मैं जोड़ूँ, इन सभी को जोड़ूँ, तो जो जोड़ आएगा वो क्या होगा स्टूडेंट, एक परफेक्ट स्केयर हो, क्या हो, परफेक्ट स्केयर हो, और साथ में क्या हो, स्मॉलेस्ट पॉसिबल हो, क्या सबसे छोटा हो, क्या हो, सबसे छोटा हो, तो मैं सबको जोड़ता हूँ, इनको जोड़ा तो a2a3a क्या हो जाएंगे, 18a, कितने हो जाएंगे, 18a, फिर मैंने 1+2+3+ कहाँ तक है, 17 तक,
अब एक प्लस दो प्लस तीन आपको मैंने जोड़ सिखाया है कि प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ कैसे लिखते हैं, तो एन एन प्लस बाई टू, तो 17 इंटू 18 बटे दो, तो ये 9 पे कट गया, ठीक है, ये 18 ए प्लस 17 इंटू 9, ठीक है स्टूडेंट, इसका मैं अभी जोड़ कर रहा हूँ, वो जोड़ क्या आएगा, एक परफेक्ट स्केयर आएगा, ये उसने खुद ने कहा है कि परफेक्ट स्केयर आएगा, ठीक है, तो मैं 9 कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ क्या बचा 2a प्लस यहाँ क्या बचा 17, ठीक है, अब ये परफेक्ट स्केयर है, अपने को पता ही है एक जोड़, ठीक है, परफेक्ट स्केयर होगा, साथ में वो क्या होना चाहिए स्मॉलेस्ट पॉसिबल, तो 9 तो एक क्या स्टूडेंट एक परफेक्ट स्केयर है किसका 3 का, अब इसको परफेक्ट स्केयर बनाना है, इसको परफेक्ट स्केयर बनाना है, तो इट मीन्स अपने को क्या चाहिए a की वैल्यू चाहिए, तो a की वैल्यू तो बहुत हो सकती हैं, तो मैं सबसे छोटी वैल्यू रखूँगा ताकि सबसे छोटा परफेक्ट स्केयर बने, यदि मैं a की वैल्यू 1 रखता हूँ तो 2 एकम 2 और 17 19 कभी परफेक्ट स्केयर नहीं होगा, a की वैल्यू 3 रखता हूँ तो 2 3 6 और 17 कितने होते 23, 23 कभी परफेक्ट स्केयर नहीं होता, a की वैल्यू मैं 4 रखता हूँ तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 8 18, 8 और 17 कितने होते 25, तो 25 क्या होगा एक परफेक्ट स्केयर, 9 पहले से ही परफेक्ट स्केयर है, इट मीन्स a की वैल्यू क्या रखूँगा, a की वैल्यू 4 रखूँगा, और जो मेरा जो परफेक्ट स्केयर आएगा वो आएगा 225, क्या आएगा 225, और 225 हमारा आंसर हुआ, मिनिमम आंसर हुआ, क्योंकि a की वैल्यू 1 2 3 पर तो कुछ बन ही रखा था, 4 पर बना ये 25, 5 पर कुछ ना कुछ बनेगा, 6 पर कुछ ना कुछ बनेगा, और 8 पर कुछ ना कुछ बनेगा, 10 पर एक मान लो a की वैल्यू 10 रखता हूँ, 10 पर एक ये भी परफेक्ट स्केयर बन गया, लेकिन हुआ तो परफेक्ट स्केयर वो, लेकिन 225 से तो बड़ा है, उसने पूछा कि स्मॉलेस्ट, तो हमारा आंसर क्या हुआ 225, ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि 1/2, 1/5, 1/8, 1/11 इस प्रकार जोड़ चल रहा है कहाँ तक 1/40, अब इसको जोड़ने का तरीका होगा ना स्टूडेंट, वो अपना जो बेसिक तरीका जो अपनी छोटी कक्षाओं में करते थे ना उसी तरीके से करेंगे, अब करने के इसके दो तरीके हैं, दो मेथड हैं, देखिए अब जिसने एलसीएम बहुत अच्छे ढंग से किया ना वो एक मतलब एक चुटकी में पहचान जाएगा कि इसका आंसर क्या होगा, ये देखिए इस क्वेश्चन का जो लेवल है वो थोड़ा टफ है क्योंकि ये पीजीटी मैथ का पेपर था और पीजीटी मैथ में मैथ के क्वेश्चन तो थोड़े टफ आएंगे ना, बाकियों में थोड़े इजी आए हैं वो आपको करवाऊंगा, तो कितना है 4, अब क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है 1/2, 5, 8, तो मैं करूँगा 2, 5, 8 और 20, 1/2, 1/5, 1/8, 1/20 इनको जोड़ूंगा, अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा भाई इनको क्यों जोड़ रहा हूँ पहले, तो इनको इसलिए जोड़ूंगा कि जो इनका एलसीएम आएगा वो एक ही टेबल में आएगा, अच्छा टेबल आएगा, जैसे 20 के पहाड़े में 40 आता है, 8 के पहाड़े में 40 आता है, 5 के पहाड़े में 40 आता है, 2 के पहाड़े में 40 आता है, तो करके मैं इसको पहले सॉल्व कर रहा हूँ, तो सब एक दूसरे के टेबल में आते हैं, तो 40 एलसीएम बन गया, 40 एलसीएम बना तो सबको सॉल्व कर लिया मैंने, आप खुद करोगे, सबको सॉल्व किया तो कितना है 35/40, ठीक है, इसका एक तरीका और सिखाऊंगा आपको, अब देखिए 11 और 110 ये एक ही टेबल में आते हैं, 11 और 110 ठीक है स्टूडेंट, अब मैं एलसीएम कितना लेता हूँ, एलसीएम लेता हूँ 110, तो ये कितना आया 10, ये कितना है 1, तो 11/110, 11 को इससे काटा तो कितना है 1/10, ठीक है स्टूडेंट, अब इसका आया 35/40, इसका आया 1/10, दोनों को जोड़ा तो कितना है 1/10, तो यह आया 39/40, इट मीन्स अपने पास इसका जोड़ मिल चुका है, ठीक है यहाँ तक, एक तो यह रह गया 1/41 और 1/ रह गया 1640, अब इनको जोड़ता हूँ, इन सब का आया था 39/40, अब रह गया 1/41, अब रह गया 1640, आपको स्टूडेंट बात बताऊँ 1640 को अपने 41 इंटू 40 लिख सकते हैं, अब दोनों का मल्टीप्लाई करूँगा तो 1640 आएगा, अब देखिए मैं जो आपके सामने एलसीएम ले रहा हूँ वो एलसीएम कितना लूँगा स्टूडेंट, एलसीएम लूँगा 41/40, कितना लूँगा 41/40 लूँगा, ठीक है 41/40 एलसीएम लिया, 40 से 40 कट गया, तो 41 इंटू 39 प्लस 40 ये कितना है 1, ठीक है स्टूडेंट, अब आप देख लिए, अब मैंने जोड़ा तो ये कितना है 41 इंटू 39 ये कितना है 40/41 इंटू 40, तो ये कितना है, ऊपर से मैंने 40 कॉमन ले लिया, आप कैसे भी करके लिख सकते हैं अपने, अब जब भी मैं इसको काटूंगा तो स्टूडेंट अगर काटूंगा तो ये 1 बनेगा, कितना बनेगा 1 बनेगा, आप करके देख लीजिए जो इनका जो पूरा पूरा कटेगा वो कटेगा 1 पर, एक तरीका तो स्टूडेंट इसका ये हुआ, अपने दूसरा तरीका भी ईजाद कर सकते हैं, वो भी अच्छा तरीका है, आप यूज कर सकते हो, ठीक है स्टूडेंट, ठीक है ये 41 बना था, सॉरी ये 41 बनेगा, थोड़ी मिस्टेक होगी मेरे से, 41 बनेगा, 41 कॉमन ले लूँगा मैं, 41 कॉमन लूँगा तो ये कितना आ जाएगा 1, ठीक है 41 इंटू 40,
तो ये 41 से 41 कट गया, 40 से 40 कट गया, तो आंसर कितना है एक। एक दूसरा तरीका भी है, वो भी इजी है, लेकिन ये उससे भी इजी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि अनिल स्पेंड 90% ऑफ हिज सैलरी, कहता है कि अनिल अपनी सैलरी का 90% खर्च करता है। सपोज हिज सैलरी इंक्रीज बाय 32% एंड सेविंग इंक्रीज बाय 50%, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज, मतलब स्पेंड्स, उसके खर्चे में कितनी बढ़ोतरी होगी, एक्सपेंडिचर। ठीक है, पहले हिंदी में क्वेश्चन बताता हूँ। अनिल अपनी सैलरी का 90% खर्च करता है, इट मीन्स उसकी सैलरी में मानता हूँ, उसकी सैलरी है स्टूडेंट, आपको यहाँ करता हूँ, उसकी सैलरी है 100, 90% वो खर्च करता है, उसने खर्च कर दिया, और 10% वो क्या कर रहा है, सेव कर रहा है, मतलब बचत कर रहा है अपनी। ठीक है, फिर कहता है कि सपोज यदि उसकी सैलरी में 32% की बढ़ोतरी कर दूँ, सैलरी तो उसकी कितनी थी 100, 32% की बढ़ोतरी कर दूँ तो कितनी हो जाएगी 132, और उसकी सेविंग में 50% की इंक्रीज़ कर दूँ, सेविंग कितना था 10 में 50% इंक्रीज़ करता हूँ तो कितना आएगा 5, तो कितना आया 10 और 5 कितने हो गए 15। ठीक है, पहले उसकी सैलरी थी 100, तो 90 खर्च करता था और 10 बचत करता था। अब वो कहता है कि उसकी सैलरी में 32% इंक्रीज़ कर दो, सैलरी 100 थी तो मैंने 32 कर दी तो कितना हो गया 132। अब कहता है कि उसकी सेविंग में 50% इंक्रीज़ कर दो, तो 10 का 50% निकाला तो 5 आया, 10 और 5 कितने होंगे 15। अब बचत कितनी कर रहा है वो 15 की, 100 पे बचत करता था 10 की, 132 पे बचत कर रहा है 15 की, तो 132 पे उसकी सैलरी है और 15 रुपये बचत कर रहा है, इट मीन्स वो खर्चा कितना कर रहा है 117। 100 पे खर्चा करता था 90 रुपये, 132 पे कर रहा है खर्चा 117 रुपये, तो कितने ज़्यादा कर रहा है 27 रुपये, और कितने पे कर रहे हैं 90 पे इंटू 100, 10 से 0 93 पे गया, तो कितना है 30% उसके खर्चे में बढ़ोतरी हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, पहले 90 करता था अब 117 कर रहा है, कितनी ज़्यादा कर रहा है 27, किस पे कर रहा है 90 पे इंटू 30 पे। ठीक है स्टूडेंट, बहुत इजी क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि टू एलोएज ए एंड बी, कहता है दो मिश्र धातु ए और बी हैं, कंटेन कॉपर एंड जिंक। ठीक है, आपको मैं डायग्राम से समझाता हूँ। कहता है कि दो मिश्र धातु हैं, कहता है कि ए और बी, ठीक है, कहता है पहली मिश्र धातु है ना उसमें कॉपर और जिंक है, और दूसरी में भी कॉपर और जिंक है। कहता है कि पहली का रेशियो है 4:1, दूसरी का रेशियो है 3:5। कहता है कि इसको एक सी, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, कहता है कि दो मिश्र धातु ए और बी कंटेन कॉपर एंड जिंक, कहता है कि दो मिश्र धातु हैं, आपको डायग्राम से ज़्यादा समझाता हूँ फिर ज़्यादा समझ आएगा, डायग्राम देखिए। कहता है कि दो मिश्र धातु हैं, ठीक है, कॉपर ए और बी, ठीक है, और जो पहली मिश्र धातु है स्टूडेंट उसमें कॉपर और जिंक है 4:1 में, ठीक है, फिर दो दूसरी मिश्र धातु है उसमें कॉपर और जिंक है 3:5 में। कहता है कि इन दोनों मिश्र धातुओं को एक अन्य मिश्र धातु में मिला दिया जाता है, किसमें, जो मिश्र धातु है 9:4 में, क्या है 9:4 में। कहता है कि दे आर मिक्सड इन द रेशो 9:4 टू गेट ए न्यू अलॉय टू सी, व्हाट इज द रेशो ऑफ कॉपर एंड जिंक। कहता है कि जिसमें मिलाया जाता है, जिस धातु में, जिस मिश्रण में मिलाया जाता है 9:4 में, अपने को नहीं पता यहाँ कॉपर और जिंक कितना है, वो बताता है कि बताइए, कहता है इसमें कॉपर और जिंक कितना होगा, तो पहली है ए जिसमें कॉपर और जिंक कितना है, कॉपर और जिंक है स्टूडेंट 4:1, दूसरी में 3:5, इन दोनों को कहाँ मिलाया जाता है, दोनों को मिलाया जाता है सी में, सी एक मिश्रण है जिस जहाँ 9:4 है मिश्रण का, तो बताइए कॉपर और जिंक का कितना मिश्रण होगा। इसको करने का तरीका देखिए स्टूडेंट, कहता है कि 4:1 इसका जोड़ कितना होगा 5, दोनों का जोड़, फिर 3:5 इनका जोड़ कितना होगा 8। ठीक है, ये एक मिश्रण का तरीका है, तो 8 को मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा 32 और 8, 5 को इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा 15 और 25। ठीक है, ये अपने पास एक रेशियो प्राप्त हो गया, ठीक है, ये हो गया अपने पास कॉपर जिंक, ये कॉपर जिंक, एक तरह से इक्वल कर लिया मैंने इनको। ठीक है, अब कहता है कि जो 9:4 रेशो तीसरी मिश्र धातु में मिला रहे हैं, तो 9 को पहली वाली से मल्टीप्लाई कर दो, 9 को पहली वाली से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, और दूसरे को मल्टीप्लाई कर दो 4 से, ठीक है, 32 निमा कितने होते हैं, ये होगी 18 और ये 28, ठीक है, ये कितना होता है 72, ये 60, ये कितना हो 100। अब इनको जोड़ दो जो कॉपर कॉपर है,
तो कितना है 8 34, ये कितना है 172। अब दो के टेबल से काटो इनको, ये 17 174, ठीक है, ये कितना कटा 8 6, और कटा ये कितना है 87, ये कटा कितना है 43। तो हमारा जो रेशियो कितना है 87:43, ठीक है स्टूडेंट। ये करने का तरीका है, ये एलिगेशन का एक मेथड है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि ऑन सेलिंग एन आर्टिकल, ऑन सेलिंग एन आर्टिकल ऑफ 20% डिस्काउंट, कहता है कि एक आर्टिकल को 20% डिस्काउंट पर बेचा जाता है इट्स मार्केट प्राइस, उसके मार्केट प्राइस पर देर इज ए लॉस ऑफ एक्स परसेंट, उसे कितना लॉस होता है एक्स परसेंट का। इफ इज सोल्ड एट द मार्केट प्राइस, यदि उसके उसे मार्केट प्राइस पर ही बेचा जाए तो कितना उसे प्रॉफिट होगा 15% का। अब क्वेश्चन क्या है, कहता है कि एक आर्टिकल है, कोई वस्तु है, उसको 20% डिस्काउंट पर बेचा जाता है उसके मार्केट प्राइस पर। पहले तो अपने को कोई भी चीज़ देते हैं उसके मार्केट प्राइस पर डिस्काउंट दिया जाता है, कभी भी मार्केट प्राइस पर डिस्काउंट दिया जाता है, ये आपको पता होगा। डिस्काउंट किस पे देते हैं, मार्केट प्राइस पर। कहता है कि पहली लाइन कहती है कि किसी वस्तु को 20% डिस्काउंट पर बेचा जाता है उसके मार्केट प्राइस पर, ठीक है, तो उसे लॉस होता है कितना एक्स परसेंट का। इफ इट इज सोल्ड, यदि उसे बेचा जाए मार्केट प्राइस पर, कोई डिस्काउंट नहीं देना, इस पे तो डिस्काउंट दिया था तो उसे एक्स परसेंट का लाभ और लॉस हो रहा था, यदि उसे सीधा मार्केट प्राइस पर बेचा जाए तो उसे प्रॉफिट होता है 15% का। तो अपने को पहले मार्केट प्राइस चाहिए तो मार्केट प्राइस पर डिस्काउंट देंगे, तो मार्केट प्राइस डिस्काउंट करने के लिए मैं दूसरी लाइन से लेता हूँ कि माना इफ सीपी कितना है, सीपी 100 है, ठीक है, उसे 15% प्रॉफिट बेचा जा रहा है, 15% प्रॉफिट बेचा जा रहा है, इट मीन्स मार्केट प्राइस कितना आएगा 115। तो 115 मार्केट प्राइस पर डिस्काउंट कितना दे रहा है, मार्केट प्राइस पर डिस्काउंट दे रहा है 20% का। तो 115 × 20 तो कितना आया 100, तो काटिए ये 5 पर कट गया, ये कितने पर कटा 23 पर, तो उसे 23% क्या आ रहा है, 23% वो कम पर बेच रहा है, कितने पर कम पे बेच रहा है, ठीक है। दोबारा से समझाता हूँ आपको, सीपी कितना है 100, मार्केट प्राइस कितना आ रहा है 115, ठीक है स्टूडेंट, 115 पर वो क्या ले रहा है मार्केट प्राइस, 115 पर 20% डिस्काउंट दिया तो वैल्यू कितनी आ गई, कितनी है स्टूडेंट 23, ठीक है स्टूडेंट, 23 में से ये देखिए उसे कितना हुआ लॉस, तो 115 ये कितना है 23, तो कितने बचे, ये बचे 92, तो वो वस्तु कितने में बेच रहा है 92 में, खरीदी कितने में थी 100 में और बेच कितने में रहा है 92 में, इट मीन्स 8% का उसे क्या हुआ लॉस, जो हुआ था वो लॉस। तो मैंने मार्केट प्राइस का 20% निकाला तो कितना था, मार्केट प्राइस का 20% कितना था 23, कितना था 23, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि द सम